मैं और यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं करूंगा कि भाई आज इस साल का अंतिम दिन है। भाई गुस्सा आसमान पे होता है। 300 किलोमीटर के आसपास जब चल गई थी, जब इसने दिक्कत देनी स्टार्ट की, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, 180 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच विदाउट एनी ब्रेक पूरा किया था। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा, जो मैंने पिछली दो राइड लगाई है ना, उनमें हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। थोड़ी सी मेजर गलतियाँ भी की हैं, थोड़ी छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो सभी करते हैं। आज मैंने ये चश्मे पहने हुए हैं, दूसरे वाले चश्मे मेरे ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो ये वाले मैंने डाल रखे हैं। सबसे पहली गलती जो मेरे साथ हुई थी, वो सभी मोस्टली करते हैं, अपनी बाइक पर कपड़ा मारा, कपड़ा मारने के बाद क्या करते हैं कि भाई चेन क्लीन की, मगर हम क्या करते हैं, हम ब्रेक पैड्स पे ध्यान नहीं देते। जो ब्रेक पैड्स हैं वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ब्रेक पैड्स ध्यान नहीं दिए, तो मेरी बाइक 300 किलोमीटर के आसपास चल गई थी ना, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ब्रेक पैड्स बिल्कुल ख़त्म है, मुझे चेंज कराने। जब भी आप कहीं 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर जो भी आप बाइक राइड के लिए निकल रहे हो, अपनी बाइक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, साफ़ सफाई करो, सारी चीज़ें ध्यान से देखो, अगर आप बाइक राइडर हो तो। वरना नॉर्मल आप 10-20 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो आप क्या ही करोगे उसमें, देखोगे। बाकी थोड़ा सा ना, मैं हमेशा ये कहूँगा, जब भी बाइक राइड करते हो या लेकर निकलते हो, हमेशा अपनी बाइक पूरी तरीके से चेक करो। मेरी बाइक में 300 किलोमीटर के आसपास जब चल गई थी, जब इसने दिक्कत देनी स्टार्ट की, 300 किलोमीटर के बाद मेरी बाइक के जो ब्रेक वाइट होती है ना ABS की, वो बिल्कुल लगनी बंद हो गई। मैं 80-90 के आसपास बाइक क्रूज़ कर रहा हूँ, क्रूज़ करने पे मैं जब ब्रेक लगा रहा हूँ ना, ब्रेक लग ही नहीं रही, मतलब वो बाइट नहीं आ रही। जब मैं फुल फोर्स से ब्रेक लगा रहा हूँ ना, 10-20% ब्रेक लग रही थी। दूसरी गलती थी कैमरा सेटिंग की। मोस्टली वो लोग सब समझ सकते हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब के अंदर, या फिर जो कैमरा से काम करते हैं, वो सारे समझ सकते हैं। जब हम कैमरा सेटअप करते हैं तो काफ़ी सारी सेटिंग करनी पड़ती हैं, भाई इसका वाइड एंगल करना है, ये 4K के अंदर है, ये 9.16 में 16.9 के अंदर रेशो के अंदर बनानी है, सुपर व्यू लेना है, वाइड व्यू लेना है। अब मेरे पास एक्शन कैमरा केवल एक है, GoPro, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं मोटो व्लॉगिंग भी करता हूँ और ख़ुद का भी मैं शूट करता हूँ। अब खुद के शूट के लिए मुझे वाइड एंगल यूज़ करना पड़ता है, और मोटो व्लॉगिंग के लिए मुझे करना पड़ता है सुपर व्यू। अब दिक्कत ये, मेरी दोनों तीनों राइड के अंदर जब भी मैंने मोटो व्लॉगिंग से खुद का जब मैंने शूट किया है, तो मेरे साथ दिक्कत ये हुई है कि मैंने एंगल चेंज करना भूल गया हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत फर्स्ट राइड में जो हुई थी, मैंने वाइड एंगल में सारी वीडियो जो मेरी आने की थी, वो सारी की सारी मैंने वाइड एंगल में बनाई, सुपर व्यू में नहीं थी, उससे एंगल पोजीशन आपको दिखाई नहीं देता, तो इसलिए मैंने वो वीडियो डाली नहीं है। दूसरा मेरे साथ दिक्कत हुई थी सेकंड राइड पे क्या हुआ था, मैंने 9.16 के अंदर सारी वीडियो शूट कर ली। 9.16 जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो का जो फ्रेम होता है ना, उसका रेशो होता है। अब सारी वीडियो मेरी बन गई शॉर्ट्स में, अब उसको मैं डालता क्या, मेरी सारी वीडियो ख़राब। जब आप इतनी मेहनत करते हो और वीडियो बनाते हो, उसके बाद आपको घर आके पता लगे कि यार भाई आप एडिटिंग के टाइम पे, कि भाई सारी की सारी वीडियो फुटेज आपके काम की नहीं है, भाई गुस्सा आसमान पे होता है, इरिटेशन होती है, अपने आप पर गुस्सा आता है कि भाई उस टाइम पर चेक कर ली होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अब एक छोटी सी राइड लेते हैं, अपनी ब्लैकबर्ड बिल्कुल एकदम तैयार खड़ी है, अब इसको लेकर निकलते हैं, एक छोटी सी राइड लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर की लगाएंगे। बाकी बातें या बस जो मैंने गलतियाँ की थी वो मैं आपको बाइक राइड पर बताऊँगा। मोटरसाइकिल कर देते हैं वार्म अप, एकदम मस्त। ग्लव्स पहन लेते हैं, ठंड पड़ रही है भाई, और सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं को भूलता हूँ, ग्लव्स मुझे हमेशा बिल्कुल लास्ट टाइम पे याद आते हैं कि ग्लव्स भूल गया, और काफ़ी बार तो ये हुआ है निकलने के बाद याद आता है। अपनी राइड स्टार्ट, आज इस साल का अंतिम दिन है, किसी से भी मेरी कोई गिला शिकवा हो भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी है, मैं किसी का दिल तो नहीं दुखाना चाहता, बाकी बाई चांस किसी का दुख गया हो भाई दिल, या मेरी कोई बात गलत लग गई हो, तो भाई माफ़ी है। हाईवे पे पहुंच के आपको बताऊंगा कि और गलतियां हमने क्या क्या की हैं। हाँ संडे है, काफ़ी कम भीड़ है हाईवे पे भी।
तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हमने की थी ना भाई, वो औरों ने तो नहीं की, वो मैंने की थी फर्स्ट राइड के अंदर। मैंने सबसे बड़ी गलती जो की थी, मैं जब चुलकाना धाम से वापस हुआ था तो मैंने सबसे बड़ी जो गलती की थी ना, मैंने 180 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच विदाउट एनी ब्रेक पूरा किया था। वो थोड़ी मजबूरी भी हो गई थी। मैं चुलकाना धाम से सोनीपत तक 30 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, वो मैंने अंदर मार्केट से कर लिया। उसके बाद जब मैं आया तो मैं KMP एक्सप्रेसवे पे आ गया, जहाँ बाइक्स अलाउड ही नहीं है। अब एक्सप्रेसवे पे बाइक तो अलाउड है नहीं, मुझे डर लगा, मैंने बाइक कहीं रोकी नहीं। वो 140 और 150 के अराउंड स्ट्रेच है, वो सारा की सारा मैंने विदाउट एनी ब्रेक कर दिया पूरा। कोई भी अगर बाइक राइड कर रहा है ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई 100 किलोमीटर के आसपास ना एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर 200 किलोमीटर 180 किलोमीटर अगर बाइक वो चलाते हैं, आप सोचिए, अगर आप 180 किलोमीटर के आसपास कार में भी ड्राइव करते हो ना, या कार में बैठे रहते हो, आप तो भी थक जाओगे। भाई मैंने फर्स्ट ही राइड में 180 किलोमीटर स्ट्रेच पूरा किया था विदाउट एनी ब्रेक। जब मैं बाइक से उतरा, मेरा शरीर पूरा झंझनाने लगा भाई। हेलमेट इतने लंबे टाइम तक मैंने पहली बार पहना था, जो एग्जोर का है पहली बार इतनी लंबे स्ट्रेच में मैंने पहना था। हेलमेट उतारने के बाद जो घुन घुन हुआ था भाई, नेक्स्ट लेवल। बाकी वो जब तक था 2-4 मिनट वो मेरे साथ दिक्कत हुई थी, मगर उसके बाद जब आपको पता लगता है 180 किलोमीटर मैंने स्ट्रेच एक बार में कंप्लीट कर दिया, अच्छा तो लगता है यार भाई, एक्साइटमेंट तो पूरी आती है। मगर उससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हो जाती है। तो अगर बाइक राइड कर रहे हो, अगर आपको यूट्यूब करना है, तो भाई 100 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच रखिए, बहुत है। चौथी जो सबसे बड़ी गलती थी, हम पिलियन लेक गए थे सेकंड राइड के अंदर, मगर पिलियन पे हमारे हेलमेट नहीं था। मैंने पिकअप किया था उनको, उनके घर से ही पिकअप किया था दीपक भाई जी को, मगर एक्साइटमेंट में ना हम ये भूल गए कि भाई हेलमेट ले ले। भाई डर ये था, अगर मान के चलिए कोई पुलिस वाला रोक लेता है, चालान मोटा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत भाई सेफ्टी, हमने सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। भाई मैं क्या तो कहता हूँ, कभी भी ना आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, हर किसी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सेफ्टी से नहीं। हम यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं, क्योंकि हमें दुकान भी खोलनी है, 9:30 बज गए हैं। अपनी मेडिकल शॉप है, उसको ओपन करते हैं। एक गलती जो मुझे और लगी है, हम दो बाइक राइडर से जो साथ जाते हैं, अभी एक ही राइड लगाइए, बाकी हम दोनों के पास ना कोई सेफ्टी गियर्स नहीं है, ना सेफ्टी जैकेट है, ना कोई हमारे पास सेफ्टी शूज़ वगैरह भी नहीं है हमारे पास। बाई चांस कहीं बाइक गिरती है, कुछ होता है, जो खरोंच लगेगी ना भाई, वो बहुत बढ़िया लगेगी। हमने बाइक ले ली, बाइक तो हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने वो GoPro ले लिया, हमने हेलमेट अच्छा ले लिया, हेलमेट में हमने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं सेफ्टी के लिए। सेफ्टी गियर्स लेने पड़ेंगे, जैकेट हो गई, राइडिंग जैकेट है, राइडिंग पैंट है, राइडिंग शूज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये देख रहे हो, इन शूज़ के अंदर मुझे ये दिक्कत लगती है भाई, ये स्पोर्ट्स शूज़ जब भरभरी ज़मीन पे जब आप किसी बाइक को रोकोगे ना, तो ये रिपटते हैं, मतलब ग्रिप नहीं मिल पाती है, और राइडिंग शूज़ के अंदर ग्रिप अच्छी होती है। ये भी एक सेफ्टी का कंसर्न है जो हमें ठीक करना पड़ेगा। देखते कब तक हम इसको ले पाते हैं, कब तक नहीं ले पाते हैं। यही एक दो गलतियाँ जो मुझे लगी कि हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं और यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं करूँगा कि भाई फुल इन्जॉय आते हैं, फुल सब सारी चीज़ें मजे में कटती हैं राइडर की, बाकी ऐसा है नहीं, गलतियाँ भी होती हैं। मैं आपको गलतियों के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी दिखाता जाऊँगा, ताकि जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं हम बाइक में, या जो भी हमें करना है आगे, वो सारी सारी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो बने रहें यूट्यूब चैनल पर। एक बात और भाई, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्लीज़, अपनी YouTube फैमिली के साथ जुड़ना और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है हमारे लिए भी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।